तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर विधायकों को नोटिस जारी हुआ है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के लोकायुक्त ने जारी किया है नोटिस। बीजेपी के लीगल सेल के नेता और आरजीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने शिकायत की थी। विवेक गर्ग की शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। विधायकों की संपत्ति के ब्यौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सीएम केजरीवाल की नियत पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं जनता के सामने खुल गई है केजरीवाल की पोल। ये बयान भी कांग्रेस की तरफ से सामने आया। तो वहीं आम आदमी पार्टी विधायकों की करतूत पर पर्दा डालने के लिए अपनी संपत्ति छुपा रहे हैं, ये देवेंद्र पंडित का बयान भी सामने आया है। इस मामले में विपक्ष अब आम आदमी पार्टी सरकार और विधायकों को घेरने में लगी हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के मामले में दिल्ली के लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया है। बीजेपी के लीगल सेल के नेता और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग की शिकायत पर लोकायुक्त ने यह कार्रवाई की है। विवेक गर्ग से बात की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। दिल्ली के सभी विधायकों को जल्द से जल्द अपने संपत्ति का ब्यौरा लोकायुक्त में सबमिट करने के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता विवेक गर्ग जी हैं। विवेक जी, क्या याचिका थी और लोकायुक्त ने क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी है, उसके तहत देश के सभी मंत्रियों हो, विधायकों हो, पार्षदों हो, चाहे कोई भी हो, सबको अपनी संपत्ति जमा करानी पड़ती है। जब देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ये सारे मंत्री, दिल्ली के सभी पार्षद अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल दे रहे हैं, तो विधायक क्यों नहीं दे रहे? जब हमें आरटीआई में पता लगा तो हमने देखा कि इनकी संपत्तियों की घोषणा नहीं हो रही है। संपत्तियों को केजरीवाल सरकार अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ दबा रहे थे। हमने माननीय लोकायुक्त में एक याचिका डाली, तो लोकायुक्त ने सभी विधायकों को दिल्ली के नोटिस करा कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा 28 जनवरी तक फाइल करें, क्योंकि वो एक कानूनन जरूरी है और देश हित में भी, जनता के हित में भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अगर ये एमएलए भ्रष्ट नहीं है तो इनको डर क्या है देने में? खुल के आए सामने और अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, सरकार को दें, देश को दें, वेबसाइट पे डालें, जनता को दें। जनता को जानने का हक है, संविधान में भी जनता को यह हक दिया गया, आर्टिकल 19 and 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीपल हैव राइट टू नो। एक चीज और, की जो स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है और बदले की भावना से भी ये कार्रवाई हो सकती है, जो कल जो लोकायुक्त की जा रही है उसमें ये भी कह रहे हैं कि चूंकि लोकायुक्त की गाड़ी में जीपीएस नहीं लगाने दिया गया था, जीपीएस नहीं लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए उन्होंने आदेश जारी किया। एक याचिकाकर्ता के नाते आप क्या सोचते हैं? ये स्पीकर का गलत बयान है, बिल्कुल गलत आरोप है और ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करना चाहिए इन लोगों को। अगर ये लोग भ्रष्ट नहीं है और सब कुछ कानूनन इनकी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, तो घोषणा करने में इनको दिक्कत क्या है? छुपाने का मतलब है दाल में कुछ काला है, नहीं है तो जारी करें। लोकायुक्त पर ये जो आरोप लगा रहे हैं स्पीकर महोदय, बिल्कुल गलत है और कोर्ट के ऊपर, क्योंकि लोकायुक्त को हाई कोर्ट की पावर होती है, इनके ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं गैर कानूनी है और स्पीकर के खिलाफ भी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो याचिकाकर्ता, उनका यही कहना है कि उन्होंने, चूंकि ये कानून है इसलिए उन्होंने जानने की कोशिश की थी, कई बार आरटीआई के माध्यम से आरटीआई लगाने के बावजूद पता नहीं चला तो उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई और उसके एवज में, उसके बाद ही लोकायुक्त ने निर्देश जारी किए कि 28 जनवरी तक तमाम विधायक अपने संपत्ति का ब्यौरा लोकायुक्त में सबमिट करें। दिल्ली से कैमरापर्सन सुरवीर के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। तो लोकायुक्त के नोटिस मिलते ही आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा ने संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए लोकायुक्त से समय मांगा। हालांकि अलका लांबा ने लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अलका लांबा ने कहा है कि लोकायुक्त ने सांसद और पार्षद से क्यों नहीं ब्यौरा मांगा। अलका लांबा से बात की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। लोकायुक्त ने दिल्ली के सभी विधायकों को 28 जनवरी तक अपने संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। हमारे साथ विधायक अलका लांबा हैं, जिन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया और वो खुद लोकायुक्त के दफ्तर पर गई भी थी कि वो अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहती है। क्या कुछ हुआ, अलका जी से खुद पूछ। अलका जी, क्या हुआ वहां जब आप गई? तो देखिए, सबसे बड़ी बात, इस सभी विधायकों की जहां तक बात है, जो लेटर भाजपा नेता, मैं कहूंगी विवेक गर्ग की शिकायत पर है, लोकायुक्त के उस जो शिकायत दी गई है उसमें सिर्फ मात्र आम आदमी पार्टी के 67 विधायकों का जिक्र है, उसमें भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद सातों और भाजपा के पार्षदों के बारे में कोई जानकारी नहीं मांगी गई कि उनकी क्या है।
तो ये साफ दिखाता है कि राजनीतिक मंशा से सिर्फ परेशान करने के लिए और इस तरह के मामलों में उलझाने के अलावा भाजपा की एक चाल है और उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। दूसरी बात, लोकायुक्त ने खुद लेटर में लिखा है कि आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपने जो है पूरी जो जानकारी देनी होती है वो देनी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर सर है, उन्होंने कभी हमसे नहीं मांगा, मांगेंगे तो जरूर हम देंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अधिकार कानून के तहत उन्हें है मांगने का ना मांगने का। लोकायुक्त कौन होता है एमएलए के मामले में, वो भी एक शिकायत पे जो राजनीतिक से पूरी तरह से प्रेरित है, जो राजनीति से प्रेरित है, जिसमें भाजपा के 3 और अब तो 4 विधायक भी शामिल है, लेकिन उनके बारे में भाजपा नेता विवेक गर्ग और 7 सांसदों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाती है। बाकी विधानसभा स्पीकर से हम लोग मिल रहे हैं, मुझे ये था कि हम लोगों के पास एक विधायक के तौर पर मेरे पर व्यक्तिगत एक लेटर आया, जो पता लगा दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित दूसरे विधायकों को भी भेजा गया है कि आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट जो है, जहां हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उसकी जानकारी दी जाए। जबकि लोकायुक्त को किसी के सिर्फ एक लेटर देने के ऊपर पहली बात तो वही रिजेक्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि विवेक गर्ग का बिल्कुल ये ठीक वही मामला है जो प्रशांत पटेल का आपको याद होगा, वो भी भाजपा का ही बहुत नेता है और भाजपा के इशारों पर उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हम विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में अर्जी की, चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में फैसला सुना के सदस्यता रद्द की और राष्ट्रपति जी के कार्यालय ने उससे ज्यादा तेजी दिखाई, छुट्टी वाले दिन हमारी सदस्यता रद्द कर ली। ये तो कोर्ट का हम लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि लोकतंत्र में कोर्ट ने उस फैसले को पलटा, राष्ट्रपति जी के फैसले को पलटा और हमारी सदस्यता को बहाल किया। जब वहां कुछ होते हुए नहीं देख रहे तो अब नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हम लोग पूरी तरह से भाजपा की मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और वो इस तरीके से सिर्फ हमें उलझाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए व्यक्तिगत अपना वहां पर सबसे पहले गई क्योंकि 9 तारीख को विवेक गर्ग ने यह शिकायत लोकायुक्त में दी, 10 तारीख को नोटिस जारी किया हुआ और 11 को पोस्ट किया गया, जो मुझे 16 तारीख को मिलता है, जो व्यक्तिगत मेरा फैसला था। पार्टी स्पीकर विधानसभा क्या करेगा, लेकिन व्यक्तिगत मुझे यह महसूस हुआ कि अगर मैं अपनी बात कर रही हूं, अगर हम लोग इसमें आनाकानी करते हैं, देर करते हैं, या ये जो राजनीतिक षड्यंत्र भाजपा के विवेक गर्ग और बड़े नेता अमित शाह जी के इशारे पर ही हो रहा होगा, चाहे लोकायुक्त का हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामले में उलझाए रखना था 3 साल तक, सदस्यता तक रद्द करना, यहां तक ये पूरा भाजपा के शेयर पर है। मुझे ये लगा जनता के बीच में ये मैसेज ना जाए कि एक हमसे जानकारी मांगी गई जिसे देने से हम बच रहे हैं। ये झूठ का जो प्रोपेगेंडा भाजपा अपने सोशल मीडिया के थ्रू करता है, उसकी हवा निकालने के लिए कि आपने पूछा है, आपको अधिकार नहीं है पूछने का, लेकिन आप पूछ रहे हैं और निष्पक्ष होकर नहीं पूछ रहे, सभी से नहीं पूछ रहे, सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को एक राजनीतिक साजिश के तहत आप लोकायुक्त खुद बैठकर इस तरह से कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए मैंने 4:30-4 बजे के करीब फोन किया कि मैं रीवा खेत्रपाल जी जो हमारी लोकायुक्त है उनसे मिलना चाहती हूं, उनका एक लेटर आया जवाब दे। उन्होंने कहा वो व्यस्त है, उनके पास समय नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगी, आपकी अपॉइंटमेंट लिख लेते हैं, 1 हफ्ते के बाद का समय होगा। फिर उसके बाद मैंने स्पीकर सर बात की और यह तय किया कि ये जो अब जवाब है वो हम लोग जो है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को सौंपेंगे। लेकिन मैडम, लोकायुक्त तो अलग अदालत है, आप उनके फैसले पर भी सवाल उठा रही हैं। फैसला कैसा फैसला है? जो नोटिस जारी किया, मुझे मैं जानना चाहती हूं, जब से लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है, दिल्ली के अंदर नगर निगम की सरकार है, सांसद है, चुनाव उनका है और ये कानून जो है कि आपको अपने सारे एसेट्स, प्रॉपर्टी, कमाई, इनकम सब आपको देनी है, वो लोकसभा में सांसदों पर लागू हुआ है। और सांसदों से क्या रीवा खेतपाल जी, बल्कि मैं कहूंगी लोकायुक्त ने, व्यक्ति का नाम नहीं ले रही हूं, क्या उन्होंने इन सांसदों से सारी जानकारी ले ली है, पब्लिक डोमेन में है कि कितने एसेट, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी कमाई थी इन भाजपा के सातों दिल्ली के सांसदों से, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कितने आपके पास भ्रष्टाचार के आरोप आए जनता को बताना चाहिए, आपने कितनों पर इतनी ही तेजी से कार्रवाई की ये भी बताना चाहिए, कार्रवाई की तो उसके परिणाम क्या है, कितने लोगों को भ्रष्टाचार में जेल भेज पाई आप और कितनों को आपने रिहा किया, कोई तो आंकड़ा दीजिए। लेकिन ये खबर सिर्फ चुनाव के 40-45 दिन नोटिफिकेशन को रहते हैं और भाजपा के नेता जाकर जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों पर, भाजपा के विधायक सांसदों पर नहीं, एक एप्लीकेशन करते हैं जो पहले ग्राउंड पर रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये अधिकार दिल्ली विधानसभा और स्पीकर को है। लेकिन मैम, एक सवाल और ये बनता है कि अरविंद जी भी पहले कहते रहे थे कि हमारे जो भी चुने हुए लोग हैं वो अपने संपत्ति का को मतलब सार्वजनिक करते रहेंगे साल दर साल, कि उसमें कोई पारदर्शिता पूरी बढ़ती जाएगी, तो फिर ये आपत्ति क्यों? अगर लोकायुक्त आपत्ति नहीं, आप देखिए फिर वही बात कर रहे हैं कि हमसे जानकारी मांगी जा रही है, हम आपत्ति कर रहे हैं, हम छुपा रहे हैं, बिल्कुल गलत है।
आपत्ति जिस व्यक्ति ने, जिस भाजपा के नेता ने, जिस राजनीतिक मंशा के साथ सिर्फ बदनाम करने के लिए ये काम किया है, ये काम किसी एक भाजपा के नेता नहीं, ये लोकायुक्त को देखना है कि अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार है तो उसकी आप जांच करिए, उसे रोकिए और उसे अंजाम तक पहुंचाइए। कितनी एप्लीकेशंस FIR लोकायुक्त ने की, कितने मामले दर्ज हैं, क्या कार्रवाइयां हुई हैं, मुझे जहां तक जानकारी है बहुत से भाजपा के पार्षद, हम जो नॉर्थ MCD की मेयर भी रही हैं प्रीति अग्रवाल, उनके खिलाफ भी पूरा केस चल रहे हैं, किस अंजाम तक है, जानकारी तो दीजिए। लेकिन एक आदमी आपको 9 तारीख को एप्लीकेशन देता है, 10 को आप नोटिस जारी करके 11 को हमें जवाब देने को कह देती हैं, जबकि ये जवाब मांगने का हक उन्हें नहीं है, उन्हें दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को लिखना चाहिए था, और बाकायदा स्पीकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अधिकार है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को कि वो समय समय पर ये जानकारी हमसे ले, और हम बिल्कुल तैयार हैं, कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन अपने भ्रष्ट अधिकारियों को, अपने भ्रष्ट मैं कहूंगी सांसद पार्षदों को बचाने के लिए ये एक झूठा जो है अडंबर रचा जा रहा है, जिसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। लोग जानते हैं कि पिछले आपने कितने हमारे विधायकों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए, FIR की, और सब एक एक करके बाइज्जत अदालतों से बरी होकर, अभी रिसेंट मामला तो हमारे ओखला के विधायक अमानतुल्ला भाई का है, जिनको मर्डर तक के केस में डाला और वो भी कोर्ट से बरी होकर आए। तो 4 साल में अपनी पूरी पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है सिर्फ आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कमजोर करने के लिए और विधायकों को परेशान करने के लिए, ये उसका एक और सबूत है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अलका लांबा जी ने ये कहा है कि चूंकि विधानसभा के प्रति वो जवाबदेह हैं, स्पीकर को वो अपना पूरा डिटेल जो है वो देने के लिए जा रही हैं, विधायकों के साथ बैठक भी होगी, लेकिन ये सवाल जरूर उठाएं कि बीजेपी के एक नेता की याचिका पर लोकायुक्त ने इतनी तेजी से कार्रवाई की और लोकायुक्त ने सांसदों से ब्यौरा क्यों नहीं मांगा, सिर्फ विधायकों से क्यों। दिल्ली से ज्ञावर्तन सुरवीर के साथ मैं विश्वजीत झा।